जैसे पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी कि मुख्य तौर पर ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ में संगठित अपराधों के विरुद्ध हम लोग एक लगातार बड़ी कार्रवाई करते रहेंगे, और इस दौरान इस मुख्य तौर पर इस कार्रवाई में एडिशनल सीपी मनीष कपूरिया जी के नेतृत्व में एक टीम इन्होंने के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें एक बड़े संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसके पास से लगभग 55 पिस्टल्स मिली हैं, जो कि अलग अलग जगहों पे इनका प्लान था उसको अलग पंचायत चुनाव के मद्देनज़र भेजने का। साथ ही साथ कुछ राउंड इनके पास से कारतूस भी मिले हैं, और इस कार्रवाई के बाद पुलिस को न सिर्फ यह हथियार मिले हैं बल्कि इसको बनवाने के कुछ फैक्ट्री है उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है। साथ ही साथ दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उन दो लोगों को भी जो कि इसको बेचने में और साथ में इनके मददगार थे। इसे मुख्य तौर पर इसे बताया ये एडिशनल सीपी हमारे डीसीपी हेडक्वार्टर डीसीपी क्राइम और एडिशनल एसपी क्राइम इनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। इसके साथ साथ हम लोगों की आगे भी कुछ इस तरीके की जानकारियां मिली हैं जो स्थानीय तौर पर हथियारों का मुख्य तौर पर अलग अलग जगह सप्लाई करते थे, कुछ संगठित अपराधियों के साथ उनके संबंध थे, उस मामले में भी पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए और आने वाले दिनों में इससे जुड़े कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। राज्य के अंदर और जिले के आसपास के कई हैं, हम जानते हैं कि इंदौर और उसके आसपास के जगहों पर सिकलीगर काफ़ी बड़ी संख्या में उनकी आबादी है और वहाँ पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती रहती है, लेकिन यह जो कार्रवाई हुई है ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें लगभग 55 के आसपास पिस्टल्स मिली हैं। और अभी चूंकि आगामी समय में कुछ स्थानीय चुनाव होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये एक काफ़ी संवेदनशील मुद्दा है, पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्य तौर पर स्थानीय उपकरणों से और स्थानीय औजारों से ये पूरे हथियार बनाए जाते हैं। ये मुख्य तौर पर खरगोन में ये जगह है, गगवा के आसपास का मुख्य तौर पर यह क्षेत्र है, वहाँ पर जानकारी मिली थी कुछ लोग जो हैं देवास से भी जुड़े हुए हैं जो कि इसको यहाँ खपाते थे। सीमावर्ती जिलों में पुलिस लगातार यहाँ नज़र बनाए हुए थी जिन जिन जगहों पे इनको बेचने की खबर थी। बहरहाल पुलिस को इनके बारे में कुछ दो तीन दिन पूर्व जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस लगातार सक्रिय थी और अंततः एक बड़ी सफलता मिली। बनाने में अभी तक इसमें कुल मामले में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हम जानते हैं कि मुख्यतः अगर हम सिकलीगर की बात करें तो धार, बड़वानी, खरगोन और बुरहानपुर, इन जगहों पे कुछ देवास भी जो पड़ोसी ज़िला है, इन जगहों पे सिकलीगर और इनके द्वारा बनाए गए परिष्कृत हथियार मिलते रहते हैं। इंदौर चूंकि इन सारे शहरों के बीच में एक बड़ा महानगर है और मुख्य तौर पर संवेदनशील है अपराधों के दृष्टिकोण से, इसलिए पुलिस की सक्रियता इस जगह पर लगातार बनी रहती है और इन मुद्दों को लेकर के पुलिस मुख्य ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स को लेकर के इनके क्राइम करने के तरीकों को लेकर के इनके हथियारों को लेकर के पुलिस लगातार गंभीर रहती है। बहरहाल अभी हमारी टीम ने इसमें इन बिंदुओं पर लगातार नज़र बना के रखी, इस मामले को परसू किया, इसके अंतिम तह तक पहुंची, जिसके कारण बड़ी सफलता संभव हो पाई।